हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डबल रिपीटेड, डबल स्टेप, चैन टाइप, बट जॉइंट के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डबल स्टेप, यानी कि ये हमारा एक स्टेप हुआ। उसके बाद इसको ऐसे रख लीजिए क्योंकि थोड़ा जरूरत पड़ेगी हमें। ये हमारा एक स्टेप हुआ, उसके बाद ये हमारे बट जॉइंट हुआ, उसके बाद ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया? डबल स्टेप, बट जॉइंट। अब क्या बचा? डबल रिवेटेड बचा है, यानी डबल रिवेटेड इससे ये वाली प्लेट, दोनों प्लेट जो स्ट्रैप हैं इस प्लेट से दो रिवेट से जुड़ेंगी डबल रिवेटेड से, और सेम डबल रिवेटेड यहाँ से ये वाली प्लेट जुड़ेगी, तब जाकर ये डबल रिवेटेड, डबल स्ट्रैप, चेन टाइप, बट जॉइंट बनेगा। चेन टाइप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीधे सीधे में ही सारे रिवेट लगाने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हो गया डबल रिवेट, लेकिन क्योंकि इस साइड अभी छूटा हुआ है इसको अभी कंप्लीट नहीं बोल सकते, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा डबल रिवेटेड, डबल स्ट्रैप, चेन टाइप, बट जॉइंट तैयार हो गया। इसकी जो टेक्निकल टर्म्स हैं हम बुक के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, डबल रिवेटेड, डबल स्ट्रैप, चेन टाइप, बट जॉइंट सेम सिमिलर है। ये देखिए, हमने भी कुछ इस तरह से सब हिल गए हैं, आप समझ जाइएगा। ये और ये दोनों सेम है। तो इसमें अगेन अब इसको ध्यान से देखेंगे कि हमारे ये इसमें कैसे रहा। तो P अगेन 3D रहेगा, सब सेम है, ये PD रहता है। PD कितना रहेगा? 2P प्लस D बाय 3। अब अगेन मैं इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्या आया, डबल रिवेटेड लिखा हुआ है। मैंने आपको क्या बोला था कि कभी भी जो PR होता है, यानी PR क्या होता है, ये है PR, ये PR है, और PR कभी भी कब लिखा जाता है? जब हमेशा डबल रिवेटेड होता है। तो यहाँ मैं लिखा डबल रिवेटेड, यानी इन दोनों के बीच का। तो ये जो PR होगा ये कितना होगा? PR इज इक्वल टू 2D प्लस 5। बट जॉइंट में 5 लिखा जाता है, और जब लैप जॉइंट होता है तो वहाँ पर 6 होता है जब डबल रिवेटेड। अगर डबल रिवेटेड लैप जॉइंट होता तो जो उसका PR होता 2D प्लस 6 होता, बट यहाँ पर डबल रिवेटेड बट जॉइंट है इसीलिए इसका जो PR है 2D प्लस 5 रखा जाएगा। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए, इसमें गलती मत कीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, अगेन देखिए जो ये जो ऊपर की स्ट्रैप है इसकी किनारी से इसकी ये 1.5D होगी, अगेन इस किनारी से इसकी भी 1.5D होगी दोनों। अब क्योंकि ये डबल स्ट्रैप है, डबल रिवेटेड है, तो डबल रिवेटेड यानी ये दोनों एक ही प्लेट के ऊपर रिवेट हो रहे हैं, इसलिए डबल रिवेट बोल रहे हैं। तो इसीलिए इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 2D प्लस 5 होगा, जो कि PR है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ये भी प्लेट में दोनों डबल रिवेटेड, इस प्लेट में भी डबल रिवेटेड है, तो यानी इन दोनों के बीच की दूरी भी 2D प्लस 5 होगी। और क्योंकि यहाँ पर भी इसका जॉइंट है, यानी कि जॉइंट होने की वजह से इस जॉइंट से इसके बीच की दूरी भी 1.5D होगी, और इस जॉइंट से इसकी बीच की दूरी भी 1.5D होगी, यानी टोटल इसे हम करेंगे तो ये 3D हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कवर प्लेट भी है, प्लेट 1, प्लेट 2 नॉर्मल जो है, और हमारी कवर प्लेट नीचे की यानी स्ट्रैप 2 ये है। तो देखा दोस्तों, इसमें सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। और अब जो नेक्स्ट हमारी डबल रिवेटेड, डबल स्ट्रैप, जिगजैग टाइप, बट जॉइंट है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।